Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख से चीन की सरकारी मीडिया कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर हाल के कुछ ट्रेंड्स को उठाकर देखें तो चीन भारत के पक्ष को रखकर अमेरिका से अपनी निजी रंजिश निकालता नजर आया है। सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा। चीनी अखबार ने लिखा, ये बात गौर करने वाली है कि अमेरिका का करीबी भारत यूक्रेन के मुद्दे पर अलग राय रखता है। अखबार ने लिखा है कि भारत अब समझ गया है कि आंख मूंद कर अमेरिका का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही अखबार ने ये भी लिखा है कि अमेरिकी पाले में न जाने के बावजूद भी अमेरिका भारत से नाराज नहीं होगा, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा, भारत हाल के दिनों में अमेरिका के बेहद करीब रहा है, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। भारत जानता है कि आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कारण भारत अपनी नीति में बदलाव कर रहा है और अब पूर्व की तरफ मुड़ रहा है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अब महत्व दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि यूक्रेन संकट पर भारत को ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा और हथियारों की जरूरत के लिए मुख्य रूप से रूस पर निर्भर है। जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की, तब अमेरिका नाराज हो गया और भारत पर प्रतिबंधों की तलवार लटकने लगी। लेकिन अमेरिका ने अभी तक भारत पर रूस से रक्षा खरीद को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। भारत न तो अमेरिका को नाराज करना चाहता है, न ही रूस को, और वो एक बेहद ही संवेदनशील कूटनीति पर चल रहा है। चीनी अखबार ने आगे लिखा, ये ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका अभी भी चीन को नियंत्रित करने और दबाने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया। भारत की वोटिंग में अनुपस्थिति रूस की अपेक्षा अमेरिका को नाराज करने वाली थी, लेकिन अमेरिका को भारत के इस रुख को भी झेलना होगा। आगे लिखा गया कि पिछली आधी सदी में भारत की विदेश नीति में ये एक बड़ा बदलाव है। भारत अपनी नीतियों में सुधार कर सकता है, लेकिन भारत पूरी तरह से अपना रास्ता नहीं बदलेगा। भारत ने अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग दिया है और अमेरिका भारत को अपने खेमे में शामिल करने के लिए हर प्रयास कर रहा है। हालांकि इस लेख से चीन का दर्द भी साफ झलक रहा है, जिसमें चीन को सबसे ज्यादा ये बात खल रही है कि भारत की साझेदारी रूस और अमेरिका दोनों के साथ समानांतर बनी रहेगी, जो चीन के साथ किसी रूप में संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।